नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डाक विभाग के सारे यूनियन मिलकर 10 अगस्त 2022 को स्ट्राइक करने वाले हैं और इसमें ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल होंगे। जो उनकी AIGDSU यूनियन है वो भी पूरी तरह से इस स्ट्राइक में शामिल होने वाले हैं। और इसी स्ट्राइक को टालने के लिए, मतलब स्ट्राइक रोकने के लिए, इंडिया पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यूनियन से अपील की है कि इस स्ट्राइक को न किया जाए। और इसके पीछे कुछ रीज़न्स भी उन्होंने बताए हैं, एक लेटर इशू किया है उसमें सारा कुछ रीज़न डिमांड्स वगैरह सबकी लिस्ट दी गई है। और तो और जो भी डिमांड्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो कहाँ लंबित है, कहाँ पेंडिंग है, नहीं है और कब तक वो डिमांड पूरी होने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या उन्होंने बताया और क्यों इस स्ट्राइक को कैंसिल करने की अपील की जा रही है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर इशू किया है। लेटर क्या, ये एक शांतिपूर्ण अपील की गई है यूनियन से कि स्ट्राइक को रोका जाए। यहाँ देखिए, दोनों यूनियन की चर्चा की गई है, NFPE और FNPO, और इसमें AIGDS यूनियन भी शामिल है। यहाँ देखिए दोस्तों, लिस्ट है चार्टर ऑफ डिमांड्स की और इसमें एक एक डिमांड का रिप्लाई दिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। बहुत से अफवाह भी लोग फैलाते हैं, जैसे IPPB का POSB में मर्ज हो जाना। ये सब मैं आपको एक पॉइंट में क्लियर करूँगा, आप ध्यान से सुनते चले। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। स्टॉप कॉरपोरेटाइजेशन मूव इन पोस्टल डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ डाक मित्रा कॉमन सर्विस सेंटर। स्टॉप आर्बिट्री एक्शन इन ब्रिंगिंग द पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ IPPB एंड ट्रांसफ़र ऑफ CEPT। तो इसका जवाब पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है, देखिए। और मैं आपको इतना पूरा पढ़कर नहीं बताऊँगा, मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा है। बस आपको जो भी काम की चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए मैं वही आपको बताऊंगा। और वैसे भी मेरे घर आज पूजा है तो थोड़ा टाइम भी कम है। तो देखिए जवाब क्या दिया है, क्लियरली लिखा हुआ है कि डाक मित्र जैसी कोई भी स्कीम डाक विभाग में नहीं है और डाक विभाग को प्राइवेट करने का भी कोई प्रपोजल नहीं है। डाक विभाग भारत सरकार की एक संस्था है, किसी भी प्राइवेट फर्म को इसको देने की कोई मंशा नहीं है। और जो IPPB का POSB से मर्ज करने की बात कही जा रही है उस पर जवाब दिया गया है कि ऐसा कोई मर्जर नहीं हो रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बस टेक्निकली सपोर्ट करेगा POSB ऑपरेशंस को, क्योंकि जो POSB ऑपरेशंस आजकल तो आपको पता ही है कि डिजिटल हो रहा है। अब डाक विभाग के भी अकाउंट्स डिजिटली आप ऑपरेट कर सकते हो, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, नहीं देखा तो देख लेना। तो इसके लिए जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो IPPB करेगा POSB को, मर्ज की कोई इसमें बात नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया है कि IPPB बैंक 100% सरकारी बैंक है। और दोस्तों, आप अपने IPPB अकाउंट को POSB अकाउंट से लिंक कर सकते हो, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का मर्जर होने जा रहा है। तो ये फर्स्ट डिमांड का रिप्लाई था। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है विड्रॉ RTN। RTN मतलब, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, RTN का मतलब है रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जो भी डाक एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है तो इसके लिए व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी प्रोसेस को RTN नाम दिया गया है, मतलब बाय रोड अगर डाक ले जाया जाता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, या फिर RMS से पोस्ट ऑफिस, या फिर एक RMS से दूसरे RMS, तो उसको RTN बोला गया है। और RTN को बंद करने की डिमांड हो रही है यूनियन द्वारा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डाक ट्रेन से भी ले जाया जाता है। तो यूनियन का कहना है कि जो भी RMS में ट्रेन के सेक्शंस बनाए गए हैं, इसका एक अलग बुकी होता है ट्रेन में, तो उसी सेक्शन से डाक एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाना चाहिए। यूनियन का कहना है कि RTN को बंद कर दिया जाए। अब इसका जवाब भी दिया है डिपार्टमेंट ने, देखिए। ऐसे बहुत से स्पेसिफिक रूट्स हैं जहाँ डाक का आदान प्रदान किया जाता है, हर जगह ट्रेन नहीं जा सकती। और आपने तो कोविड में देखा होगा कि उस टाइम ट्रेन को बंद कर दिया गया था। तो वैसे क्रूशियल टाइम में जो बाय रोड मेल वैन के द्वारा डाक को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया गया हो, तो उस टाइम पोस्टल डिपार्टमेंट को रेलवे पर डिपेंड नहीं होना पड़ा था। अगर RTN नहीं चलता तो शायद डाक समय से कहीं नहीं पहुंच पाता और लोगों का विश्वास डाक विभाग पर से भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता। और डाक विभाग ने इसमें सफाई दी है और कहा है कि RTN फुली अंडर कंट्रोल है डिपार्टमेंट के, जबकि सेक्शंस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि सेक्शन अभी भी रनिंग में है, उसको बंद नहीं किया गया है। और RTN रिलायबल नेटवर्क है, पोस्टल डिपार्टमेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको रन करा सकता है। तो ओवरऑल इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि RTN से डिपार्टमेंट का कोई लॉस नहीं है, तो RTN कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब देखते हैं NSH CRC के मर्जर का विरोध भी यूनियन द्वारा किया जा रहा है।
तो उसका जवाब भी डिपार्टमेंट ने दिया है कि उससे पेपर वगैरह की खपत कम होगी, एक ही जगह दोनों को मतलब रजिस्टर लेटर और स्पीड पोस्ट को प्रोसेस किया जाएगा, तो उसमें अलग से स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अलग अलग बैंक नहीं बनाना पड़ेगा, यही सब डिपार्टमेंट ने बताया है। देखते हैं अगला डिमांड। यूनियन का कहना है कि ये जो NDC मतलब जो भी नोडल डिलीवरी सेंटर है और CDC मतलब सेंट्रल डिलीवरी सेंटर, उनको बंद कर दिया जाए, मतलब जैसा पहले पोस्ट ऑफिस से पार्सल डिलीवर किया जाता था बिल्कुल वैसा ही हो जाए फिर से। और मैं आपको बता दूं कि NDC में सिर्फ 500 ग्राम से जो ज़्यादा वेट वाले कंटेंट होते हैं वही कस्टमर्स को डिलीवर किए जाते हैं, और जो CDC है इसमें सिर्फ स्पीड पोस्ट को डिलीवर किया जाता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसका भी जवाब दिया कि जितने भी NDC हैं उनको 4 या 5 डिलीवरी सेंटर्स का मेन सेंटर बनाया गया है जहाँ से सिर्फ पार्सल की डिलीवरी होनी है, क्योंकि अभी ई कॉमर्स का ज़माना है और लगभग सभी लोग सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो टाइम बाउंड है डिलीवरी का वो काफ़ी हद तक NDC में फ्रूटफुल रहा है, तो NDC से भी डिपार्टमेंट का फ़ायदा है, तो ये भी बंद नहीं होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने यूनियन को समझाने का प्रयास किया है, बट अब ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होता है, स्ट्राइक होती है या नहीं होती है, आगे देखते हैं। ये तो सबकी डिमांड है कि NPS को ख़त्म करके OPS को रिकन्सिडर किया जाए। इस पर भी डिपार्टमेंट का रिप्लाई आया है कि जो NPS या फिर OPS की पेंशन स्कीम है ये डाक विभाग के अधीन नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर DOPT के अधीन है, तो इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, ये मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये NPS OPS जो भी है ये मिनिस्ट्री देखेगी, डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। आगे देखते हैं कौन सी डिमांड है। GDS मतलब जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की डिमांड है, तो इस पर डिपार्टमेंट ने कहा है इसको ऑलरेडी एग्जामिन कर दिया गया है और 2019 में ही इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट किए जा चुके हैं, और GDS के जो 12, 24, 36 सर्विस पीरियड कंप्लीट होने पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाना है, उसके बारे में डिपार्टमेंट ने कहा कि इस अपग्रेडेशन के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन को भेजा गया था बट वहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और वहाँ से इंस्ट्रक्शन आया है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर GDS के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए इंसेंटिव वगैरह बढ़ाने के प्रोसेस पर ध्यान दिया जा सकता है। और एक ज़रूरी बात है GDS के लिए, GDS के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी डिमांड की गई थी ESIC के अंतर्गत लाने की बात यूनियन द्वारा कही गई थी, तो इस पर डिपार्टमेंट का रिप्लाई है कि ये मेडिकल ESIC वाला प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजी गई है जिसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा भी बहुत से डिमांड्स है, कंडक्ट फिजिकल मीटिंग्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेगुलरली एट ऑल लेवल्स, तो इसका जवाब भी दिया है डिपार्टमेंट ने। पहले कोविड था तो कोविड टाइम में फिजिकली मीटिंग्स पॉसिबल नहीं थी, तो अब जैसे कोविड डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे तो फिजिकली मीटिंग अभी स्टार्ट हो गई है हर जगह। और स्टॉप हरासमेंट ऑफ SBC ऑफिशियल्स, इसका भी जवाब देखिए दिया गया है। कंडक्ट डिपार्टमेंट एग्जाम्स ऑफ पोस्टल अकाउंट्स एट द अर्लीस्ट, ग्रांट SCF कोटा टू सीनियर अकाउंटेंट फॉर प्रमोशन इन AA कैडर, इसका भी जवाब यहाँ दिया गया है। तो मेन हम लोग देख लेंगे इसमें, रेगुलराइजेशन ऑफ ऑल कैजुअल DRM एंड टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी एब्जॉर्ब पार्ट टाइम, तो ये सब यहाँ इसका जवाब भी दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ 50% कोटा इन ESA LGU एग्जामिनेशन टू द पोस्टमैन मेल गार्ड MTS, पेमेंट ऑफ DA/DR फॉर 18 मंथ्स, जो COVID-19 में आपका 18 महीने का जो DA था वो बंद हुआ था उसको भी रिलीज़ करने की बात यहाँ यूनियन बोल रहा है, तो उस पर भी क्लेरिफाई किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, यहाँ देख सकते हैं जवाब आप। और 5 days इन पोस्टल RMS एंड MMS ऑफिस, तो ये इस पर भी जवाब दिया गया है कि ऑपरेटिव ऑफिस जितने भी हैं ये सारे ऑपरेटिव ऑफिस के अंडर में हैं, MMS, RMS और पोस्टल, तो इसको 5 days वीक नहीं किया जा सकता, 6 days ही रहेगा। तो यही सब जवाब है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।